हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ राजपूत आपके लिए लेकर आया हूँ नया वीडियो। आज का हमारा टॉपिक है मिलिंग मशीन। इसके अंतर्गत हम जानेंगे, नंबर फर्स्ट, मिलिंग मशीन होती क्या है। नंबर सेकंड, इनका वर्गीकरण। नंबर थर्ड, मिलिंग कटर के प्रमुख एलिमेंट्स। एंड नंबर फोर, ऑपरेशंस के बारे में। तो चलिए चलते हैं फर्स्ट पॉइंट की तरफ, मिलिंग मशीन होती क्या है। मिलिंग मशीन होती क्या है? मिलिंग मशीन का प्रयोग विभिन्न प्रकार की आंतरिक व बाहरी सतहों पर मशीनिंग ऑपरेशन करने के लिए, सीधे तथा घुमावदार खांचे काटने के लिए, आंतरिक व बाहरी चूड़ी काटने के लिए और गियर आदि बनाने के लिए किया जाता है। वैसे प्रमुखतः देखा जाए तो मिलिंग मशीन का यूज़ मिलिंग टूल के क्षेत्र में एक विशिष्ट स्थान रखता है। मिलिंग मशीन की उपयोगिता जो होती है वह लगभग खराद मशीन के बराबर ही होती है। ये दोनों मशीनें अपने अपने क्षेत्र में अति उत्तम कार्य करती हैं। जैसे खराद मशीन सिलेंड्रिकल कार्य में और जो मिलिंग मशीन होती है वह प्लेन सतह बनाने का कार्य करती है। मिलिंग मशीन पर धातु को चिप्स के रूप में घूमते हुए कटर द्वारा काटा जा सा, जैसे कि आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये एक सेकेंड, जैसा कि आप एक सेकेंड जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं, ये मिलिंग कटर होता है, जो मिलिंग मशीन का टूल होता है। ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल होता है। इसकी जो कटिंग मोशन है वो क्लॉकवाइज है। जब ये क्लॉकवाइज घूमेगा तो चिप्स को ऊपर की तरफ काटेगा, तो ये घूमते हुए जो धातु होती है उसको चिप्स के रूप में काटती है। कटर की परिधि पर अनेक दांते होते हैं, दांते या दांत। प्रत्येक जो दांता होता है वह सिंगल पॉइंट औजार का कार्य करता है। जो वर्कपीस होता है जिसकी हम कटिंग करते हैं उसे वाइस में किसी फिक्सर द्वारा पकड़ा जाता है। वाइस पर फिक्सर को मशीन की कार्य मेज पर कस दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम क्लासिफिकेशन ऑफ मिलिंग मशीन। मिलिंग मशीनों का वर्गीकरण। मिलिंग मशीनों को उनके कार्य वे बनावट के आधार पर कई प्रकार से बांटा जाता है। जैसा कि नंबर फर्स्ट, नी टाइप और कॉलम एंड नी टाइप मिलिंग, हिंदी में कहे तो घुटना प्रकार या कॉलम एवं घुटना प्रकार मिलिंग मशीनें।
ये भी चार पांच टाइप की होती हैं। सही नंबर फर्स्ट हैंड मिलिंग, नंबर सेकंड प्लेन हॉरिजॉन्टल मशीन, नंबर थर्ड यूनिवर्सल हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन, नंबर फोर्थ वर्टिकल मिलिंग मशीन एंड नंबर फाइव रैम हेड मिलिंग मशीन। अब टाइप नंबर सेकंड वर्टिकल बेड टाइप मिलिंग मशीन, प्लेनर टाइप मिलिंग मशीन, कंटिन्यूस मिलिंग मशीन एंड स्पेशल मिलिंग मशीन। ये कुछ स्पेशल प्रकार की मिलिंग मशीनें हैं, जैसे कॉपिंग मिलिंग मशीन, पेंटोग्राफ मिलिंग मशीन, प्रोफाइल मिलिंग मशीन। इनके लिए डिटेल में पढ़ने के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं। तो चलिए चलते हैं नी टाइप और कॉलम एंड नी टाइप मिलिंग मशीन के बारे में जानेंगे विस्तार से। ये हमारा नी टाइप मिलिंग मशीन का डायग्राम है। अब हम इसमें सबसे पहले बात करते हैं हैंड मिलिंग मशीन। हैंड मिलिंग मशीन तो ये क्या होती है, इस प्रकार की सभी मिलिंग मशीनों में से ये सरलतम मशीन होती है। इसका उपयोग सरल क्रियाओं के लिए किया जाता है तथा इनमें जो कट होते हैं वह हल्के ही लगाए जाते हैं। इनकी सहायता से फ्लैट सरफेसेस, ग्रूव्स और कीवे आदि बनाए जाते हैं। नंबर सेकंड प्लेन हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन, यह हस्त मिलिंग मशीन की अपेक्षा भारी होती है। इस पर जो कट लगाए जाते हैं वह भी भारी होते हैं। इस प्रकार की मशीन का यूज़ भारी कार्यों को करने के लिए किया जाता है। नंबर थर्ड यूनिवर्सल हॉरिजॉन्टल मिलिंग मशीन, यह जो मशीन होती है सरल या प्लेन हॉरिजॉन्टल, कह हिंदी में सरल कहेंगे, प्लेन हॉरिजॉन्टल मशीन के प्रकार की होती है, परंतु इसकी जो टेबल होती है वह घूंड बेस पर लगाई जाती है। इसी आधार पर यह सार्वत्रिक या यूनिवर्सल मिलिंग मशीन कहलाती है। इससे हेलिकल गियर, टीथ, मरोड़ी ड्रिल या जो रीमर की जो फ्लूट्स होती हैं, नालियां आदि बनाए जा सकते हैं। नंबर फोर वर्टिकल मिलिंग मशीन, इस मशीन का स्पिंडल वर्टिकल एक्सिस पर घूमता है, इसीलिए इसका नाम वर्टिकल मिलिंग मशीन रखा गया है। इस मशीन में कटर बांधने के लिए आर्बर का यूज़ किया जाता है, आर्बर का यूज़ नहीं किया जाता है। इसकी उपयोगिता ये होती है कि यह सरफेस, एंगुलर सरफेस, सिंपल ग्रूव, टी ग्रूव्स, की वेज एंड फ्लैट सरफेस आदि बनाने के कार्य करती है और साथ ही साथ इससे बोरिंग भी की जा सकती है। नंबर फाइव रैम हेड मिलिंग मशीन, रैम हेड मिलिंग मशीन में क्षैतिज मिलिंग मशीनों की अपेक्षा एक अतिरिक्त स्पिंडल लगा होता है, ठीक है, ये अंतर होता है, ये डिफरेंस होता है वर्टिकल और रैम सीस में। कुछ जो मशीनें होती हैं रैम सीस मशीनें होती हैं
उनमें दो स्पिंडल भी लगे होते हैं। बात करते हैं वर्टिकल बेड टाइप मिलिंग मशीन की। अभी तक तो ये थी नी टाइप घुटना प्रकार की, अब है वर्टिकल बेड टाइप मिलिंग मशीन, बेड प्रकार की ऊर्ध मिलिंग मशीन। बेड प्रकार की ऊर्ध मिलिंग मशीन अत्यधिक भारी और साइज में काफ़ी बड़ी होती हैं, तो ये भारी तथा बड़े आकार के जो वर्कपीस होते हैं उन पर मशीनी ऑपरेशन करने के लिए यूज़ में ली जाती हैं। इनमें घुटना नहीं होता है, जिनमें घुटना होता है वो नी टाइप मिलिंग मशीन कहलाती हैं, जो मैंने आपको पहले बता दिए। ये हाई स्पीड और हाई फीड मशीनें होती हैं। इसका मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। ये जो डायग्राम है ये वर्टिकल मिलिंग मशीन है, ठीक है। आइए बात करते हैं प्लेनर टाइप मिलिंग मशीन। ये देखने में लगभग प्लेनर की तरह होती हैं। नाम के अनुसार ही ये मशीनें प्लेनर की आकृति जैसी होती हैं, इसीलिए इनका जो नाम है प्लेनर टाइप मिलिंग मशीन रखा गया है। इस मशीन की टेबल केवल लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में ही चलती हैं। यह मशीन सिंगल कॉलम या डबल कॉलम की होती हैं। प्लेनर मिलिंग मशीनों पर हॉरिजेंटल, वर्टिकल एंड एंगुलर सरफेसेस पर मशीनिंग ऑपरेशन करने के लिए किया जाता है। मशीनिंग ऑपरेशन के लिए इसमें फेस कटर, प्लेन कटर एंड फॉर्म कटर का आदि का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की मशीनों का अधिकतर उपयोग उत्पादन के कार्यों में किया जाता है तथा इनकी जो मशीनिंग क्षमता होती है वह भी बहुत अधिक होती है। नेक्स्ट बात करते हैं कंटिन्यूस मिलिंग मशीन। कंटिन्यूस मिलिंग मशीन, ये मशीनें अपने नाम के अनुरूप ही कार्य करती हैं, अर्थात इनमें जो वर्कपीस होता है उन पर ऑपरेशन लगातार की जा सकती है। एक ऑपरेशन समाप्त होने के बाद जो वर्किंग टेबल है या उसका ड्रम है उसको घुमाकर दूसरा ऑपरेशन आरंभ कर दिया जाता है, ठीक है। इस प्रकार एक ही वर्कपीस पर अनेक ऑपरेशन करने के लिए वर्कपीस के जो सेटिंग होती है उसको बार बार बदलना नहीं पड़ता है। एक बार आप वर्कपीस सेट कर दो फिर जो बाकी काम है वो मशीन स्वतः ही करेगी। इस प्रकार की मशीनें बैच तथा बड़े उत्पादन पर, जहाँ बड़े उत्पादन किए जाते हैं वहाँ पर काम में ली जाती हैं। नेक्स्ट है स्पेशल मिलिंग मशीन। इनके अंदर तीन टाइप्स की मशीनें आती हैं, कॉपिंग मिलिंग मशीन, पेंटोग्राफ मिलिंग मशीन, प्रोफाइल मिलिंग मशीन। जो कॉपिंग मिलिंग मशीन होती है उसकी सहायता से मॉडल या टेम्पलेट की आकृति की उसी के बराबर बड़ी या छोटी जो साइज की वस्तुएं होती हैं प्राप्त की जा सकती हैं। नंबर सेकंड इसमें है पेंटोग्राफ। यह जो होती है पेंटोग्राफ यंत्रावली के या मैकेनिज्म के सिद्धांत पर कार्य करती है। इस पर 2D
या 3D दोनों ही प्रकार की कॉपिंग क्रियाएँ की जा सकती हैं। इन्हें एग्रेविंग मिलर के नाम से भी जाना जाता है। नंबर थर्ड, प्रोफाइल मिलिंग मशीन। सैद्धांतिक रूप से यह एक बेड के प्रकार की वर्टिकल मिलिंग मशीन होती है। इसकी सहायता से विभिन्न प्रकार के प्रोफाइल बनाए जा सकते हैं। साधारणतः टेबल की जो अनुदैर्ध्य गति होती है तथा स्पिंडल की जो शीट्स को क्रॉस गति दी जाती है इसके द्वारा। नेक्स्ट पॉइंट है एलिमेंट्स ऑफ मिलिंग कटर। मिलिंग कटर के प्रमुख अवयव, मिलिंग कटर के कौन कौन से अवयव होते हैं। नंबर फर्स्ट, बॉडी। नंबर सेकंड, आउटसाइड डायमीटर। थर्ड, इनसाइड डायमीटर। फोर, रूट डायमीटर। फिफ्थ, विड्थ। सिक्स, फेस। सेवन, कटिंग एज। एट, लिप एंगल। नाइन, रिलीफ एंगल। टेंथ, प्राइमरी क्लियरेंस एंगल। इलेवेंथ, सेकेंडरी क्लियरेंस एंगल। ट्वेल्थ, रेडियल रैक एंगल। थर्टीन, हेलिक्स। एंड फोर्टीन, लीड। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं बॉडी। बॉडी क्या होती है? ये जो आप डायग्राम देख रहे हैं, ये मिलिंग कटर का डायग्राम है। अब इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे बॉडी की। बॉडी कटर के दांतों के अतिरिक्त शेष भाग को उसकी बॉडी कहते हैं। जैसे ये जो आप देख रहे हैं, ये कटर के दांते हैं। इन दांतों को छोड़कर शेष जो पार्ट होता है वह बॉडी कहलाता है कटर की। ठीक है, आउटसाइड डायमीटर दांतों के बाहरी वृत्त के व्यास को कटर का आउटसाइड डायमीटर कहते हैं। जैसे आपको ये लाइन दिख रही होगी, डॉटेड लाइन दिख रही है, जो आपके कटर के टीथ हैं उनके सीट से मिलती हुई जा रही है, ये हमारी आउटसाइड डायमीटर कहलाती है कटर की। इनसाइड डायमीटर कटर के केंद्र पर छेद के व्यास को इसका अंतर्व्यास कहते हैं। नंबर फोर्थ, विड्थ, चौड़ाई। कटर के एक फेस तथा दूसरे फेस के बीच उसकी जो घुमाव अक्ष के समांतर मापी गई दूरी होती है, या कटर की जिसे शुरू से बताता हूँ, इसे मैं कटर का जो एक फेस है और उसका जो सेकंड फेस है उसके जो बीच की घुमाव अक्ष होती है उसके समांतर मापी गई दूरी कटर की चौड़ाई कहलाती है। ठीक है, नेक्स्ट है लैंड। लैंड क्या होता है? कटर के दांतों की कटाई कोर जो होती है उसके ठीक जो पीछे वाला भाग होता है उसको लैंड कहते हैं। जैसे ये कटर के दांते हैं और ये कटाई, ये कटर के दांते हैं, इसको आगे वाला जो हिस्सा है
और कटिंग एज होता है, ठीक है। तो जस्ट इसके पीछे वाला जो हिस्सा होता है ये वाला, उसे लैंड कहते हैं। इस पर रिलीफ कॉन भी बनाया जाता है जिससे मशीनिंग सरफेस दांते के शेष भाग से रगड़ न खाएं। नेक्स्ट पॉइंट है उसका फेस। फेस क्या होता है? फेस इसमें है, एक दांते के फेस, सॉरी गैस बताना भूल लिखना भूल गया मैं, गैस क्या होता है? कटर की ये आप देख रहे हैं, ये तो दांते हैं, इनके बीच का जो एरिया है ये हिस्सा गैस कहलाता है। जो कटर की घुमाव दिशा के अनुसार इसके एक दांते के पिछले भाग, ये दांते का ये पिछला भाग है, ठीक है, तथा ठीक बाद वाले दांते के अगले भाग के बीच जो स्थान होता है वह गैस कहलाता है। कटने के पश्चात क्या होता है? इस स्थान में धातु का चिप आ जाता है, इसे चिप स्पेस भी कहते हैं। अब बात करते हैं फेस की। फेस क्या होता है? जो गैस की सतह होती है जिस पर कटने के पश्चात सर्वप्रथम जो चिप्स होती है, चिप्स फिसलती है या टकराती है, वह दांते का फेस कहलाती है। नेक्स्ट पॉइंट, कटिंग एज। कटिंग एज ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं ये इसका कटिंग एज होता है। दांते के लैंड तथा फेस की मिलान रेखा से बनी कोर को कटाई को कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा कटिंग एज हो गया। लिप एंगल, लिप एंगल यह दांते के लैंड तथा फेस के बीच का कोण होता है। इसे सामान्यतः बीटा से डिनोट करते हैं, ऐसे इसे डिनोट किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, रिलीफ एंगल। कटर की घुमाव अक्ष पर लंब समतल में उसके आउटसाइड डायमीटर पर दांते पर स्पर्शी तथा लैंड के बीच का जो कोण होता है उसको रिलीफ कोण कहते हैं। जैसे आप ये देख रहे होंगे, रिलीफ कौन होता है, ये जो एंगल होता है रिलीफ कौन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है प्राइमरी क्लियरेंस एंगल। ये क्या होता है? इसके अनुसार जो दांते के पिछले भाग होते हैं और आउटसाइड डायमीटर पर जो स्पर्शी के बीच का कोण होता है वह प्राइमरी क्लियरेंस कहलाता है। सेकेंडरी क्लियरेंस एंगल, सॉरी ये हमारा प्राइमरी क्लियरेंस एंगल, और ये जो सेकेंड जो एंगल बना रहा है ये सेकेंडरी क्लियरेंस एंगल, ठीक है। अब ये क्या होता है? इसके अनुसार जो दांते होते हैं उनकी सेकेंडरी क्लियरेंस
एवं आउटसाइड डायमीटर पर स्पर्शी के बीच का कोण सेकेंडरी क्लियरेंस कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट, रेडियल रैक एंगल। ये क्या होता है रेडियल रैक एंगल? ये जो आप देख रहे हैं, ये जो एंगल है, ये टोट टोट करके आया, ये एंगल, ये हमारा रेडियल रैक एंगल है। इसको अल्फा से डिनोट करते हैं। इसके अनुसार कटर की घुमाव अक्ष पर लंब समतल में दांते के फेस एवं उसकी कटाई कोण से गुजरने वाली जो रेडियस होती है, रेडियस के बीच का कोण होता है, वह रेडियल रैक एंगल कहलाता है। किसी भी कटर पर यह एंगल शून्य, पॉजिटिव या नेगेटिव भी हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा हेलिक्स। हेलिक्स क्या होता है? जो हमारा कटर होता है, हेलिकल कटर, उसके अनुसार कटर के एक्सिस प्लेन में उसकी घुमाव एवं जो दांतों की कटाई कोर होती है उसके बीच का जो एंगल होता है, हेलिक्स कोण कहलाता है। इसे हम सिर्फ हेलिक्स एंगल ही बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है लीड। लीड क्या होता है? तो दांतों की कटाई कोर के जो हेलिक्स, दांतों की कटाई कोर के हेलिक्स द्वारा जो कटर के चक्कर है उसके द्वारा चली गई जो एक्सिस दूरी होती है वह लीड कहलाती है। अब बात करते हैं मिलिंग ऑपरेशन। मिलिंग संक्रियाएं, हिंदी में मिलिंग संक्रियाएं। अब यह भी हमारी कई प्रकार की होती है। नंबर फर्स्ट प्लेन मिलिंग, नंबर सेकंड फेस मिलिंग, नंबर थर्ड साइड मिलिंग, नंबर फोर्थ एंगुलर मिलिंग, नंबर फिफ्थ गैंग मिलिंग, नंबर सिक्स फॉर्म मिलिंग, नंबर सेवन स्लॉट एंड कीवे मिलिंग, नंबर एट हेलिकल मिलिंग, नंबर नाइन गियर मिलिंग, नंबर टेन थ्रेड मिलिंग। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं प्लेन मिलिंग। प्लेन मिलिंग क्या होती है? इस ऑपरेशन के द्वारा उस स्थिति में फ्लैट सरफेस बनाई जाती हैं। इससे क्या होता है, प्लेन मिलिंग का मतलब होता है जब इस संक्रिया या ऑपरेशन में उसके द्वारा स्थित फ्लैट सरफेस बनाई जाती हैं, जबकि जो कटर की घुमाव अक्ष सतह के समांतर होती है, इसे स्लैब मिलिंग भी कहते हैं। ये हमारा प्लेन मिलिंग का डायग्राम है। नंबर सेकंड फेस मिलिंग। इस ऑपरेशन द्वारा उस स्थिति में फ्लैट सरफेस बनाई जाती हैं जबकि कटर की जो घुमाव एक्सिस है वह सतह के लंबरूप हो। इस ऑपरेशन के लिए फेस मिलिंग कटर का उपयोग किया जाता है। साधारणतः जो मिलिंग मशीन पर कटर को स्टब आर्बर लगाकर यह ऑपरेशन की जाती है। नंबर थर्ड साइड मिलिंग।
इस ऑपरेशन द्वारा जो वर्कपीस की साइड में चपटी चपटी या फ्लैट वर्टिकल सरफेसेस बनाई जाती हैं तथा साइड मिलिंग कटर का प्रयोग किया जाता है। इस ऑपरेशन को करने के लिए साइड मिलिंग कटर का उपयोग किया जाता है। इसके अंतर्गत कटाई की गहराई का एडजस्टमेंट टेबल के वर्टिकल फीड स्क्रू द्वारा किया जाता है। नंबर 4 एंगुलर मिलिंग यानी कोणीय मिलिंग। इस ऑपरेशन द्वारा मशीन स्पिंडल से 90 के कोण के अतिरिक्त किसी भी कोण पर फ्लैट सरफेसेस बनाई जाती हैं। यह एक कोण या दोहरे कोण वाली भी हो सकती है, यह कटर पर डिपेंड करता है। ये एंगुलर मिलिंग का डायग्राम है। नेक्स्ट बात करते हैं हम गैंग मिलिंग। ये हमारा गैंग मिलिंग का डायग्राम। इस ऑपरेशन द्वारा एक साथ कई सतहों का निर्माण किया जाता है, जैसे कि इसके नाम से ही प्रतीत होता है गैंग। गैंग माने कि कई सारे लोगों को मिलाकर या कई सारे ऑपरेशंस को मिलाकर जो या एक साथ कह लो एक साथ बहुत सी वस्तुओं पर एक साथ कार्य करना, तो उसको कहा जाता है कि गैंग में कार्य हो रहा है। इसीलिए इस मशीन का नाम गैंग मिलिंग मशीन रखा गया है। इसके लिए आर्बर पर कई आवश्यक कटर उपयुक्त स्थितियों में लगाए जाते हैं। ये कटर जो कटर होते हैं आवश्यकता अनुसार समान या असमान डाया के हो सकते हैं। इनका उपयोग अधिकतर अधिक संख्या में एक से अधिक या एक से अधिक अंगों के निर्माण में होता है। इससे समय भी बचता है। इस ऑपरेशन में जो कटिंग स्पीड होती है गैंग के अधिकतम डाय वाले कटर द्वारा निर्धारित की जाती है। नेक्स्ट है फॉर्म मिलिंग। फॉर्म मिलिंग इस ऑपरेशन द्वारा अनियमित वक्र सतह पर इस ऑपरेशन द्वारा जो इनरेगुलर कर्व सरफेसेस होती हैं उनका निर्माण किया जाता है, जबकि इसके लिए एक वांछित आकृति के फॉर्म कटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है स्लॉट और कीवे मिलिंग। इसमें इस ऑपरेशन में या इस संक्रिया द्वारा कटरों के प्रयोग से वर्कपीस पर कीवे स्लॉट्स और टी स्लॉट्स आदि बनाए जाते हैं। नेक्स्ट है हेलिकल मिलिंग। इस ऑपरेशन द्वारा सिलेंड्रिकल या कोनिकल वर्क पीसेस की जो परिधि होती है उस पर हेलिकल या स्लॉट या फ्लूट्स आदि बनाई जाती हैं। नेक्स्ट है गियर मिलिंग। इस ऑपरेशन द्वारा जो गियर होते हैं उन पर ब्लैंक पर जो गियर के जो ब्लैंक होते हैं उन पर दांते काटे जाते हैं। इनके लिए फॉर्म रिलीफ कटर का प्रयोग किया जाता है। कटर का प्रोफाइल ठीक गियर के दांतों के बीच के स्थान के आकार का होता है। इसके लिए डिवाइडिंग हेड का प्रयोग किया जाता है जिसमें बराबर दूरी पर वांछित दांते काटने में सहायता मिलती है। थ्रेड मिलिंग। इस ऑपरेशन द्वारा थ्रेड मिलिंग कटर की सहायता से वर्कपीस पर थ्रेड काटी जाती हैं। इसके लिए थ्रेड मिलिंग मशीनें प्रयोग की जाती हैं। इसके अंतर्गत जो वर्कपीस होता है और जो कटर होता है दोनों ही अपनी अपनी एक्सिस पर घुमाए जाते हैं। इसके द्वारा जो एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों प्रकार की थ्रेड काटी जा सकती हैं।
तो आज के वीडियो में इतना ही।